हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज संडे, तो आज मैं कॉलेज नहीं गया हूँ। तो अभी ना टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे। तो आज ना मैंने थोड़ा लेट ब्लॉग चालू किया है, क्योंकि आज तो संडे है वैसे भी। तो गाइस, कल ना हमारे मतलब 30 डेज के 30 ब्लॉग्स कंप्लीट हो गए है। तो ऐसे ही ना मैं आगे भी मस्त मतलब कोशिश करूंगा कि एक दिन भी ब्लॉग मिस ना हो। तो गाइस, सबसे पहले ना खाना खाते, क्योंकि भूख लग रही है। टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे है अभी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो खाने में क्या है। मैंने ना ये सब मिक्स करके बनाया है। क्या क्या मिक्स किया है, मतलब इसमें ना दही है, सब्जी है और ज्वार की रोटी। इन सबको मिक्स करके ना मस्त ऐसा कुछ बनाया है। तो गाइस, अभी ना मैंने खाना खा लिया है और मैं ना यहाँ पर आके बैठा था। तो आप लोग देख सकते हो मेरे साथ कौन कौन है, सतीश भी है और संदीप भी है। तो वो न्यूटन वाला वीडियो जो है ना, वो हमारा अपलोड हो चुका है। वो यहाँ भी देख रहे थे, हम लिंक विंक शेयर कर रहे हैं। तो आज ना संडे है, तो आज कुछ आपको ज़्यादा कुछ देखने को भी मिलेगा नहीं। हम भी बस इधर उधर घूमते रहेंगे, बस टाइम पास करते हुए। क्या करें आज संडे, कुछ कर तो नहीं सकते। धूप यार, धूप होती है, धूप बहुत धूप है। ये धूप किसे चाहिए इतनी धूप, जादू को। हाँ, कोई मिल गया वाला जादू यहाँ होता तो खुश हो जाता अच्छा। अफसोस, हम जादू नहीं है, जादू धूप नहीं है, जादू। धूप। साला इतना पावर भर लेता, इतना पावर भर लेता, साला 4-5 हल्क तो मेरे बॉडी गार्ड की तरह बाजू में ओ रखता। भाई। तो गाइस, अभी ना आप लोग ब्लू देख कलर सकते की हो संदीप इतनी धूप में क्या कर रहा है। देखो, इतनी धूप में ना गाड़ी को वॉश कर रहा है, पागल हो गया है साला। हर रोज अपना मुंह वाला टी शर्ट पहनता है। इधर देख, इधर देख, ओरिजिनल वर्सेस एडिटिंग। ओहो, ओरिजिनल वर्सेस एडिटिंग देख सकते हो आप लोग। एडिटिंग में मतलब आप ना समझ रहे हो ना, आप फोटो लड़की फोटो में लड़की देख के पसंद मत करना, और मास्क लगाए तो बिल्कुल भी मत करना। सतीश, मास्क लगाए तो बिल्कुल भी मत करना। नहीं यार, बोलो तुम्हें जान। तो गाइस, अभी ना यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कल कल तक ना कलर का काम चल रहा था यहाँ पर भुरुदा के घर पर, क्योंकि उसकी ना शादी है। कब है भाई? मई दस तारीख को शादी है। तो देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर, दो रूम का कलर तो कंप्लीट हो चुका है और दो रूम का कलर अभी बाकी है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग, ये वाइट वाइट। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा 1 घंटा हो गया अभी तक बाइक ही धो रहा है धूप में। भाई, इतनी धूप में लेकिन क्यों धो रहे हो आप? इवनिंग को भी कर सकते ना तू ये काम। हाँ, आप देख सकते हो क्रांति ना ऊपर चढ़ गया है। ऊपर चढ़ के ना सूखी डालिया तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा है। सूखी डालिया क्यों तोड़ रहा है तू? उसकी वजह से बड़ी नहीं हो रही है तो पता नहीं, इसको पता है। क्रांति बोल रहा है कि इन सूखी डालिया की वजह से केवी बड़ी नहीं हो रही, इसलिए तोड़ तोड़ के ऊपर से नीचे फेंक रहा है। बाथरूम पे चढ़ गया है ऊपर, देख सकते हो। और ये देखो केरी कितनी बड़ी हो रही है, दिख जा, ये देख सकते हो बहुत। भाई, अभी आपको दिखाई दे रही है ना, उसे 10 टाइम्स इतनी, हाँ इतनी बड़ी होती है। और ये देखिए इसमें से क्या निकला, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें से रसना गायब है, जो कि हमने तोड़ के खा लिया है। मैंने आपको बताया था ना एक बार, ये दूसरा वाला है, मतलब वो वाली नहीं है वो। तो भाई, ये दूसरी वाली थी लेकिन तो हम इसे नहीं खा पाए आपके। चढ़ा कहाँ से दादू? उतर गया फाइनली, आधे रास्ते तो आ गया है, उतर जा। तो फाइनली मैं सही सलामत वापस आ चुका हूँ। मुझे तो गारंटी नहीं थी कि सही सलामत नीचे उतरेगा। तो अभी ना गाइस, हमें ना इस कूलर को रिपेयर करना है, मतलब रिपेयर करना है, मतलब ये नीचे का जो डब्बा है ना, उससे पानी बहुत लीक हो रहा है। आपने देखा होगा पुराने ब्लॉग में, तो उसी को ना ठीक करना है हमें। तो सबसे पहले ना शॉप पर चलते हैं। शॉप पर जाकर ना, जो उसके मतलब ग्लू तो नहीं है, वो एक टाइप का कुछ तो भी होता है, एमसील मतलब एक टाइप की होती है, उससे ना चिपक जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम शॉप को जाकर लेके आते हैं। लिटरली गाइस, बहुत बहुत मतलब बहुत तेज धूप हो रही है यार। इतनी तेज धूप में ना अंदर रूम में बैठा भी नहीं जा रहा, पढ़ाई भी नहीं कर सकते मैं। शाम इवनिंग मतलब रात को भी इतनी गर्मी, गरम गरम हवा आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसे ना हमें रिपेयर करना ही होगा 8 दिन से, मतलब मैं आजकल क्योंकि मैं भूल ही जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी ना बाहर ले आते और इसमें ना पानी डाल के देखेंगे कि लीक कहाँ से हो रहा है। ये देखो, इधर से लीक हो रहा है, ये देख लो गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, मतलब यहाँ से ना बहुत बड़ा होल पड़ा है। तो गाइस, इसका ना पानी फेंक देंगे, फिर थोड़ी देर इसे सूखने देंगे, फिर ना इस पर एमसील लगाएंगे। धूप में रख दे, धूप में। वाह, बाहुबली। तो गाइस, अभी ना हमें क्रिकेट मतलब क्रिकेट का शॉट के लिए ना एक वीडियो क्लिप शूट करनी है, उसके लिए ना मुझे बैट चाहिए, तो ले लेते बैट फटाफट से। तो ये रहा हमारा विंटेज का SS Stone। भाई विंटेज का नहीं है, सॉरी विंटेज नहीं है,
टोन टोन सनरीड सनरीड का ऐसे स्टोन जो जिसकी कीमत है 2500 रुपए। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो उस पर नाम है 92K व्यूज आ गए, 100K जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी बैट के ऊपर ना वीडियो बनाया था भाई, उस पर 92K व्यूज कंप्लीट हो गए। जब तक मेरा डब्बा सूख नहीं जाता, मुझे थोड़ा काम है खेत में, वो मैं निपटा कर आ जाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे, तो 6 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर ना आप लोग देख सकते हो, यहाँ ऊपर जो होते हैं ज्वार, मतलब ऊपर जो ऐसा होता है एक फ्लावर की तरह, उसमें पूरी की पूरी ज्वार होती है, उसे ना काट लिया गया। काट के ना वो आपको दिख रहा है ना पॉलीथिन, उसके नीचे रखा है क्योंकि पानी इसे भीगे ना। और ये देख सकते हो आप, ये ना पूरे साल भर के लिए गाय का चारा है। यहाँ पर पूरे देख सकते हो, वो वाला, ये वाला, ये वाला, पूरे की पूरे मतलब एक ग्रुप बना कर रखे हैं। और यहाँ ना अंदर वो ज्वार के फ्लावर से, ये देखो यहीं पे है भाई, ये देखो मस्त, ये ढक्के नहीं है, ये देख सकते हो आप लोग, इन्हें ना मस्त काट लिया जाता है ऊपर ऊपर, देख लो मस्त से। देखो ये दाने देख रहे हो आप ज्वार के, यहीं से ज्वार बनती है, जिसके ना ज्वार की रोटी बनाकर खाते हैं ना, यहीं से ज्वार निकलती है वो। तो गाइस मैं ना खेत से वापस आ गया हूँ, तो अभी जो ये डब्बा है ना इसे आके रख देते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। और आज ना आरसीबी का मैच चल रहा है, देख सकते हो आप। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने वो जो कुछ भी मिलाया था ना, वो एमसील वो लगा दिए, यहाँ पर भी लगा दिए, यहाँ पर भी लगा दिए। किसने लगाई है? भाई तुमने लगाई है, भाई तुमने लगाई, मैंने लगाई, एक ही बात है। गाइस फाइनली रख दिए हमने। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अभी 8:50 8:50, तो अभी मैं एडिटिंग करने के लिए बैठूंगा। तो आज ज्यादा कुछ निकाल नहीं पाया हम ब्लॉग में, क्योंकि आज कोई भी घर पे नहीं था, मैं अकेला ही था, सचिन बाहर गया था, मतलब कोई भी बंदा नहीं था घर पर मेरे साथ। तो गाइस आज के ब्लॉग में ना बस इतना ही। तो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।